नमस्कार जय जगन्नाथ। मु श्रद्धा आपण मानक स्वागत करुच्छे मोर यूट्यूब चैनल श्रद्धा किचन कर्नर को। आज मुझे आपण मान सहित छतु पत्रपोड़ार रेसीपीटे सेयार करी। घर थोड़ा सामग्री में किभली आम छतु पत्रपोड़ा रेसीपीटे स्वादिष्ट छतु पत्रपोड़ा रेसीपीर स्वाद नवा तेज चलतु देखा कि प्रस्तुत करुच्छी छतु पत्रपोड़ार रेसीपीट। भिडियो को स्किप नक फुल व्वाज करूँ तो जापर मुझे प्रस्तुत करुच्ची रेसीपीट। देखो छतु पत्रपोड़ा करने मुझे 250 ग्राम पाला छतु नहीं। पाला छतु ही बहुत बढ़िया लगी था छतु पत्रपोड़ा रेसीपीट। देखते ये मुझे भल भाव छोट कट करपर भल भाव धोईकी गोटे छाणिकी गोटे पत्र रखी। तापर देखो मसला मुझे 2 चम्मच सोरस 2 चम्मच जीरा गोटे सुखला लंका और आवश्यक अनुसार किसी रसुण रही पाखापाखि 15 कला खंड हम रसुण। तापर देखो अल्प टिके पानी देदेवि भल भाव से पेस्ट कर नेबी। सुखला सुखला ही बाटे अधिक पाया जमी हेनी। देखो अल्प टिके पानी देखी यही ही भल भाव में पेस्ट करने। देखो कि मुझे पेस्ट करुखला सुखला होती मसला रही पेस्ट करने। नेक्स्ट प्रोसेस देखो मसला बाटि सारापर जो छतु को मुझे धोईकी रखी थी पात्र देखो ये मसला गुड़ सब देदेज सब मसला को भल भाव में पोचिकी ग्राइंडिंग जार सब मसला गुड़ देदेज। देखते ये सब मसला गुड़ देदेवे। तापर देखो आवश्यक अनुसार गोटे चामच हल्दी देदे स्वाद अनुसार गोटे चामच लुण देदे। तापर मुझ गोटे चामच मीट मसला दूँ। आपड़ मीट मसला जगह गरम मसला मतलब देपरती चिकेन मसला देपरती। जदि आपको मसला पसंद ना आप स्किप करते कि मीट मसला दबा द्वारा टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। देखो सब मसला दे सारापर तापर मुझे काटी रखी था पिज गोटेद गोटे बड़ साइज पिज को यह दे। तापर देखो मुझे गोटे चमच पाखापाखी सोरस तेल देदे। सोरस तेल दबा द्वारा पत्रपोड़ा रेसीपी बहुत भल लगे। तापर दुईट कंचा लंका देदे मुझ गोटा दूँ कंचा लंका कारण एमती गोटा दे राग लगे जदि आप काटिकी देते हैं राग लगे। देखो तापर सब ये हाथ में मिसई दे मसला सहित सब मिसई सारापर का रखी था गोटे बड़ साइज टमाटो को देदे। टमाटो को दे सारापर देखो भल भाव आउ टे भल भाव में मिसई दे। देखते एम हाथ में मिसई देते मसला सहित सब जमी एमती हाथ में भल भाव में मिसई देते। देखो कि मिसाऊँच से भल भाव में मिसई देते। देखो सब मसला आ छतु ये सब गोल देलापर मु नेक्स्ट प्रोसेस को जी। देखो नेक्स्ट प्रोसेस कौन करुच्ची। नेक्स्ट प्रोसेस देखते गोटे प्लेट नहीं प्लेट उपर दुईट मुझे कखारू पत्र रखुच्छे कारण मुझे कखारू पत्र ही छतु पत्रपोड़ा करी। आप चाहिए कदमी पत्र कि शाला पत्र छतु पत्रपोड़ा करपारती। देखो कखारू पत्र को भल भाव धोई नी पानी छाड़ जाइए मुझे जो छतु को मसलार गोल रखी से दौर। देखो अल्प ही देवी कारण कखारू पत्र छोट थाए अधिक दे मोड़ा बेलू फाटिज इतिपे अल्प दौर। देखो आवश्यक अनुसार अल्प देदे। तापर देखो मुझे कि पत्र को भांगुच्छी। देखो गोटे पत्र एमती देली तापर आर पत्रटार को एमती लौटे देली तापर एमती देखूँ पुणी लौटेली यही जमी प्रोसेस करमती करेंगे फाटबनी भल सुविधा हे कारण मुझे दुईट पत्र जोड़ी दे। देखो ये भल भाव जोड़ी ने देखु एमती मुझे धरी। देखो यही करनाला जो खाता सिलई सूता मोर से मोटा सूता से ही दौर सिलई सूता भी आपड़ी। देखो ये भल भाव गुरे नहीं पैक करदे जमी फिटबनी पत्रपोड़ा कला बेलू। देखो ये भल भाव में गुरे ने गुरे सारापर ताको भल भाव गंठी देदेवे। देखो कि मुझे कर भल भाव पैकेट करे सूता गुरेक। देखो देखो सूता गुरेक यही भल भाव पैक करदे सेम प्रोसेस आउ जो छतु है से ही एमती पैक करने। देखो 250 छतु में मोर तीनो एमती छतु पत्रपोड़ा करवाई कि रेडीगला। देखो तीनो पत्र दुईट बड़ पत्र अल्प जो रहा मुझे छोट पत्र बांधिक रखी। तापर देखो मुझे गैस उपर तावा बसई छतु पत्रपोड़ा करवाई जदि आप चूल्हे रोसे करते हैं चूल्हे में पोड़पारे जेहेतु मुझे गैस करुच्छी से तावर पोड़ी से देखु हाई फ्लेम तावा बसई गरम हाँपाई तावा गरम होगा किसी सोरस तेल दूसरी सोरस तेल दे कि छतु पत्रपोड़ा कले पत्र तावर लगभनी भल भाव छाड़ जा। देखो तेलटी गरम होगापर मुझ पत्र जो रखी थी पैक करी छतु पत्रपोड़ा करवाई से देदे गैस फ्लेम को सीम रखीदे गोटे कभर घोरदेवि 15 मिनट। देखो 15 मिनट ये घोर गोटे पट साइड पोड़ा कि छाड़देवी कभर घोरबार कारण हूँ एमती कभर घोर दे छतुटे सीझी जाए और तलू जो तावा आम गरम अच्छी छतु पोड़ापी सुविधा हे यही कले छतु पत्रपोड़ा बहुत भल हो। 15-20 मिनट पर देखो कभर काढ़ की मुझे देखिली। तापर देखो छतु आम गोटे पट साइड हो आसानी बढ़िया बास्ना होपर केयरफुल देखो चटु द्वारा एमती मुझे छड़े न जेहतु तेल दिखाला भल भाव छाड़ जाऊँगी। देखो आस्ते धीरे से पूरा एमती लौटे दे। देखो गोटे पट पूरा पत्र पोड़ जाए आउ टे सोरस तेल देदेवि आर पट जमी लगभनी भल भाव में पोड़ जा। देखो तेल दे सारापर पुन कभर घोटे 15-20 मिनट छाड़देवी सीझापी एमती। देखो
ଦେଖନ୍ତୁ 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ କଭର୍ କାଢ଼ିକି ଦେଖିଲି ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟି ମୋର ହୋଇଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଟୁ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଲଉଟଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପଛପଟଟା କିଭଳି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମୋର ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟି ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ତାୱାରୁ କାଢ଼ିଦେବି। ଆଉ ଯେଉଁ 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ରହିଲା ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ କରିନେବି। ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛି ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟି କିଭଳି ହୋଇଛି ମୋର। ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟି ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ କଇଁଚି ଦ୍ୱାରା କାଟିକି ଦେଖାଉଛି ତାର ସୂତାର ଯେଉଁ ବାନ୍ଧିଥିଲି ତାକୁ ସବୁ କାଟୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ପତ୍ର ଖୋଲି ଦେଖାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ହୋଇଛି ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟି। ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟୋଟାଲ 40 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଟିକିଏ ଗରମ ବି ଅଛି, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଖୋଲୁଛି କାରଣ ବାମ୍ଫ ଟିକିଏ ବାହାରୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଖୋଲୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ରକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ାଟି ମୋର ହୋଇଯାଇଛି, କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ମୁଁ ଏବେ ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ାକୁ ଉଷୁନା ଭାତ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ମୁଁ ପରଷି ଦେଇଛି, ଆପଣ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ ଛତୁ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ରେସିପିଟି, ଯଦି ମୋର ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବିନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପିର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ବେଳେ ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।